दुनिया का सबसे युवा देश भारत अपनी युवा शक्ति के परिश्रम और उद्यम के बल पर आगे बढ़ रहा है और इसी युवा शक्ति के सपनों को उड़ान देने का संकल्प लिया मोदी सरकार ने और युवा शक्ति को दी एक नई सोच, एक नई अप्रोच और एक नई पहचान। इन 9 सालों में मोदी सरकार ने युवा शक्ति के लिए रोजगार के अवसर ही नहीं बनाए बल्कि स्वरोजगार और उद्यम को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक, तकनीकी गाइडेंस और इनोवेशन को भी बढ़ावा दिया। युवा शक्ति के सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में एक अहम कड़ी है रोजगार मेला। भारत सरकार सहयोगी राज्यों के साथ मिलकर लाखों नए रोजगार सृजन कर रही है और रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जा रहा है। देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। ये कड़ी है रोजगार मेले की। इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्यों को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास हो। 10 लाख नौकरी देने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए देश भर के अलग अलग स्थानों में लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए और इसी कड़ी में एक और नया अध्याय है आज का रोजगार मेला। सभी नियुक्तियां यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड जैसी एजेंसियों के माध्यम से ऑनलाइन की जा रही हैं। भर्ती की सभी प्रक्रियाएं अब सरल और पारदर्शी हैं। जहां एक ओर विशेष ऑनलाइन सिस्टम से चयन प्रक्रिया पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है, वहीं नवनियुक्त युवक युवतियों को कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल के अंतर्गत ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इस अभियान के माध्यम से महिलाओं, दिव्यांगजनों और आकांक्षी जिलों के अभ्यर्थियों को मिल रहा है विशेष लाभ। मुझे रोजगार मेले के थ्रू अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त हुआ है एंड मेरा चयन एसएससी सीजीएल के थ्रू सीबीआईसी में एज एन इंस्पेक्टर हुआ है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई हैव बीन सेलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आई ग्रेटली थैंक श्री नरेंद्र मोदी जी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी थ्रू द रोजगार मेला इवेंट कंडक्टेड इन कोयंबटूर। इन्हीं कर्मयोगी और प्रशिक्षित युवाओं की ऊर्जा से भरा सरकारी तंत्र अधिक उत्साह और लगन से बनाएगा नागरिकों की सेवाओं को विश्व स्तरीय। इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी आधुनिक और लिखेगा न्यू इंडिया की ग्रोथ स्टोरी।